जदि आप प्लस टू आडमिशन करने चाहूँगी तेल सर्वप्रथम जाणी रखु प्लस टू आडमिशन फिज कौन रोच मैंने अलग अलग कलेज अलग अलग फिज रोच तो आप जो कलेज आडमिशन करने चाहते से ही कलेज के फिज निटा जाणी रखा उचित सहित क्यों कलेज के मार्क मागे जदि आप गोटे कलेज आडमिशन करने चाहते मैंने से कलेज निर्दिष्ट थी ना मैंने ये स्ट्रीम पर एति परसेंट बाकी मार्क थी आडमिशन कर पार से भाई सीट भी थी सीट अनुसार आहरी कट मार्क भी रही सब गुड़ाए प्रोसेस रही आज पूरा डिटेल्स कहीदेवि व्यस्त होगा दरकार ना तो चलते भिडियो स्टार्ट करने सर्वप्रथम देखो ये अच्छी डिस्ट्रिक्ट आपंक कलेज नेम सिलेक्ट करके इंडिविजुअल हेसेस प्रोफाइल को जाए पूरा डिटेल चेक करेंगे केम चेक करेंगे ना सर्वप्रथम आपंक मोबाइल या गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने तापर जो सर्च बार देखुं यार उपर गोटे क्लिक करके सर्च करेंगे साम्स ओडिशा साम्स ओडिशा सर्च करने पड़ो कहीं स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम ओडिशा रहा तो ये तो प्रथम आसगला ये कौन www.samsodisha.gov.in तो देखिले प्रथम अच्छी तो यार गोटे क्लिक करना फास्ट जोटा आसला तो देखो तो मुझ क्लिक कर सारे तो ये आपड़ टे स्क्रोल डाउन करके आसीजे दुटा डिपार्टमेंट अच्छे ये प्रथम देखिए सेकेंड भी देखिए तो ये हायर एजुकेशन अच्छे ये स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट स्क्रोल डाउन करके आसतु ये पाइबे स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रही है आम कम मानने हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू उपर गोटे क्लिक करना है क्लिक करदे ये नेक्स्ट ये पेज टी आसगला जितेबाला आप ऑनलाइन जो फॉर्मटा फिलअप करेंगे जोटा कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप एडमिशन जो फॉर्म फिलअप करेंगे ये आसिक करने पड़ो है स्टूडेंट लॉगिन अच्छी मुझे डिटेल्स कहे एडमिशन पर वीडियो दरकार कमेंट सेक्शन में जनई दिंतु खूब शीघ्र वीडियो आने देवा जहाँपर आप मैंने डाउट गुड़ी क्लीयर होमती कौन एडमिशन प्रोसेस रही है तो ये देखो आसगले स्क्रॉल डाउन करके आसे ये डिस्ट्रिक्ट एंड HSS HSS मैंने कौन हायर सेकेंडरी स्कूल जोटा कि कॉलेज नेम है प्रथम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने पड़ो तो 30 डिस्ट्रिक्ट अच्छे ओडिशा जी 30 जिला अच्छी तो आप क्यों डिस्ट्रिक्ट मैंने आप जो डिस्ट्रिक्ट चाहूँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट मुझे धन्यवाद फर एक्जाम्पल गंजाम चूज कली तो ये HSS अच्छे हायर सेकेंडरी स्कूल तो ये बहुत गुड़ाए कलेज अच्छी गंजाम जितनी भी कलेज अच्छे ये सबकि सो हो मुझे चाहिए जो आम बड़ यूनिवर्सिटी अच्छे गोटे ब्रह्मपुर मुझे चेक करने चाहूँ कौटा ना ये मुझे खाली कर दे ये खोजिले हम आप जो नेम भी मुझे केवल कलिकट ही आप जेकोसी डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जेकोसी कलेज को ये चूज कर नहीं चेक कर नहीं पारे है तो ये आसगला कलिकट हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुर आसगला तो बर्तमान यार गोटे सिलेक्ट करदे है सिलेक्ट करदे तो ये चूज हो गए इंडिविजुआल HSS प्रोफाइल क्लिक करने पड़ो मुझ बर्तमान क्लिक कर ग्रीन कलर बटन में क्लिक कली नेक्स्ट पेज में किसी आसाना कलिकट हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट जिला गंजाम ब्लॉक ब्रह्मपुर एमसी सब देखिए डिटेल साम्स कोड देखिए ये प्रिंसिपल नेम और मोबाइल नंबर ईमेल आई डी मैंने ईमेल आई डी सब दिखाई एडमिशन इनचार्ज कर नेम मोबाइल नंबर ईमेल आई डी दिखाई तो यह संपर्क में आप डिटेल्स एडमिशन इनचार्ज सहित भी किसी प्रोब्लेम हेल्ले कथाई पारे आउ डी नेम मोबाइल नंबर ईमेल आई डी दिखाई है यहाँ जेकोसी डिस्ट्रिक्ट जेकोसी कलेज सिलेक्ट करके निज निजर मैंने कलेज इंडिविजुआल HSS प्रोफाइल को चेक करेंगे तो देखो ये कौन दिखाई साम्स हाइलिट्स 2023-24 तो बर्तमान एवं दशम श्रेणी पास करी आसे 2023-24 बैच प्लस टू फास्ट इयर पढ़े तो सहीटा ही ये दिखाई देखो सीट इनफर्मेशन दिखाई कौ कलेज के कौन सीट अच्छी स्ट्रीम वाइज दिखाई स्ट्रेन्थ अच्छी एडमिशन है स्टार्ट है ना 00 अच्छी स्टार्ट होगा मतलब नोटिस आस सर्वप्रथम आपको अपडेट जनदेवी तेणुक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर अलग सेट कर रखी था बर्तन आज अपडेट कौन से जानना बाद खूब शीघ्र स्ट्रीम देखिए देखो आर्ट्स कमर्स साइंस स्ट्रेंथ अच्छी टोटल स्ट्रेंथ ये देखिए आर्ट्स ये 512 कमर्स 384 साइंस 512 है जदि किसी स्ट्रेंथ बढ़ू तो ये अपडेट होगा जदि बढ़ून एति ही रहा मैंने ये ही रोक तो देखते वैकेंसी कौन रही वैकेंसी ये रही सबकि डिटेल्स मैं करुच्चे है वैकेंसी कहीं एडमिशन किए ना जी से अच्छी जदि किए एडमिशन ये यूट माइनस लिखा हाँ तो देखते सब्जेक्ट इनफर्मेशन दिखाई मैंने कौ स्ट्रीम कौ सब्जेक्ट कैसे स्ट्रेन्थ अच्छी पूरा डिटेल दिखाई है यहाँ है तो देखिपारे ये स्क्रोल डाउन करके एडमिशन फिज कौन दिखाई एडमिशन फिज है ये कलेज तो मिनिमम और मैक्सिमम ये कौन दिखाई मिनिमम मैक्सिमम दुटा जहाँ दिखाई मिनिमटा 900 रही है मैक्सिमटा 970 रही जोटा कि इनक्लूडिंग डेवलपमेंट फिज है डेवलपमेंट फीस कौन दिखाई ना 250 दिखाई आई टी रि कह 100 मैंने सरी 1500 मैंने 1500 है फीस देती आपण यहाँ देखो मिनिमम मैक्सिमम जो दिखाई ये फीसटा ही धरने ना ये डेवलपमेंट फीस सहित मिसेदे ये आई टा अलग अच्छी आई टा छाड़ दे चलो जी आई टी आई टी फीस दब है ये फीस दबा आम धरने ना जापारे तो ये लिखाई फीस एति डिटेल्स लिखाई है
ଯେକୌଣସି କଲେଜ ଚେକ୍ କଲେ ଏଭଳି ହିଁ ଆସିବ। ତାପରେ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 2022 ଏଇଟା 2023 ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଅପଡେଟ୍ ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କଟା 100 ହେବ। ହେଲା ଏବେ ତ ହେବନି ଅପଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସବୁ କଟ ଅଫ୍ ଫଟୋ ଆସିବ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯେ କଟ ଅଫ୍ଟା 2023 100 ହେବ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଜଣେଇବି, ଜଣେଇ ସାରିଲି। ଆଉ କେଉଁ କଲେଜ କେତେ ମାର୍କ ବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ କଟକଟା ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯାଉ, କଟକଟା ଆସିଲେ ଜଣା ହଉ 2022 ବି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ନେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସରେ କେତେ ନେଇଥିଲା, ଜେନେରାଲ୍ରେ 70.67 ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାଗିଥିଲେ, ହେଲା। ଆଉ ଏସ୍ଟିରେ ଏତିକି 64%, ଏସ୍ସିରେ 65.17% ଏତିକି। ଆଉ କମର୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 71.33% ମଗାଇଥିଲା, ଆଉ ଏସ୍ଟିରେ କମର୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଏସ୍ଟିରେ ତ 35.83% ଆଣିଥିଲେ କମର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେ ପାଇଁ। କଟ ମାର୍କ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କଟ ମାର୍କ 2022 ହେଲା, 2022 ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିରେ କେତେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି ଭଲସେ କୁହାହେଇନି କିନ୍ତୁ କଟ ମାର୍କଟା ଏତି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ସାଇନ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି କାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ଥିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ୍, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛ ଓବିସିଏସ୍ସି ବି ଖାଏ ସେ ଜେନେରାଲ୍ରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଓବିସିଏସ୍ସି ବି ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଉଟ୍ଲେ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ମାନେ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିଛି 70 ଆସିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ, 87 ଅଛି, ତ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖି କରାହବ ନା। ଯଦି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ ଏଇ କଲେଜରେ, ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଯିଏ ହାଇଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏଭଳି ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଯଦି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସ୍ଲାଇଡ଼ ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମଗାଯାଉଛି ତା'ର କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ସବୁକିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଫିସ୍ ଜାଣିସାରିଲେ, ହେଲା। ଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ, ଠିକ୍ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଏସବୁ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏତିକି ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ଆଇଟି ଦେବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ହେଲେ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ, ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଲି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ତ ବାହାରିନି ନା, ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବେ ମାନେ ଫିସ୍ କେତେ ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଜଣେଇ ସାରିଲି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।